من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب عليم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت في الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم شروع کرتے ہیں سورة ابراہیم آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में मोमिन की मिसाल दी गई है अल्लाह ताला ने मोमिन को कले मतन कहा है और शजरताय्यबन भी कहा है और उसके बाद जो है कले खबीसा की भी मिसाल दी है काफिर मुशरक़ और मोमिन की तो इनशाला हम शुरू करते हैं हमारा तेरवा पारा है और सूर्य इब्राहिम है आई नंबर ट्वेंटी थ्री से करेंगे ट्वेंटी थ्री से करेंगे इनशाला نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وامسكهما وعمسك بقدرته ورفع السماء بقوته वदहल वदहल व दाह बे ही वमला ही तमाम किस्म की हम अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और अपनी कुदरत से उन दोनों को थामे हुए है और अपनी क़वत के साथ आसमान को बुलंद किया और अपनी मशीयत के साथ ज़मीन को बिछाया और हमवार किया और कायन को अपनी रहमत से भर दिया बेशक सुबह अल्लाह इसमें कोई शक नहीं है तो हम शुरू करते हैं इन हमारा तेरवा पारा है और हमारी सूरत इब्राहिम है अच्छा ये कुछ लाइंस नजर आ रही हैं उजमा जी मुझे नजर आ रही है आपको नजर आ रही रेड रेड सबको नजर आ रही है स्क्रीन पे हाँ जी सबको नजर आ रही हाँ रेड लाइंस है चले चलने दे चल चलो अच्छा चले ये इरेज कर दिया <laughs> तो, माशाल्लाह जी इरेज कर दिया ठीक है हो जाती है टेक्निकल फॉल्ट तो हमने पिछली आयत में आयत नंबर 21 में और 22 में जाना था समझा था पढ़ा था कि वहाँ भी हशर के रोज भी जो है डायलॉग होगी लोग आपस में अल्लाह ताला के जुन से बात करेंगे तो हमने किस आयत नंबर इक्कीस में देखा था कि कमजोर लोग जो थे दुआफाऊ जो होंगे वो इस तक बरू बड़ाई वाले लोगों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारी मान के चलते थे अब तो आज अशर के रोज़ क़यामत के रोज, रोज हमें हम हम से हमसे कुछ अजाब को दूर कर दो वो जवाब देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह हमें हिदायत देता है, तो हम भी जरूर तुम्हारी रहनुमाई करते उन्होंने हिदायत लेना चाहिए ही नहीं तो अल्लाह ने हिदायत नहीं दी और फिर शैतान को भी हमने पढ़ा था कि शैतान भी जो है कहेगा कि मेरे वादे जूते थे और मैंने और अल्लाह के वादे सच्चे थे तो मेरा तो तुम पर कोई दबा दबाव नहीं था हाँ मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली बस तुम मुझे इल्ज़ाम ना लगाओ बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो तो ये सारे डायलॉग हमने पढ़ी कि उस रोज़ जो है कोई किसी के काम नहीं आएगा ना मियाँ बीवी के ना बीवी म्याँ के ना बच्चे ना औलाद ना बेटा ना वालदे सबको अपनी पढ़ी पड़ी पड़ी होगी इवन के पैगंबर के पास भी जब शफात के लिए जाएंगे कि हशर का रोज़ बहुत शदीद होगा सूर्य सवान वो भी कहेंगे नफसी 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 फरमाएंगे कि आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में जितना कभी ना थे तो तो ये दो, दो बातें हमने पढ़ी थी कि वहां सब बड़ी जिम्मा हो जाएंगे लोग भी और शैतान भी तो हमें अल्लाह की मान के चलनी चाहिए और किसी के नहीं माननी चाहिए अब नंबर ट्वेंटी थ्री से हम शुरू करते हैं वर ट्रांसेशन, वो खिला और दाखिल किए जाएंगे अल्लाजीना वो लोग जो आम ईमान लाए अल्लाजीना प्लूरल है सिंगुलर है कौन बताए जी और उसका सिंगुलर क्या है या अल्लाह जी अल्लाह जी, जी, जी अल्लाह तो माशा अल्लाह तबरक अल्लाह बारक अल्लाह अल्ला। आमनू ईमान लाए व अमल व और अमिलो उन्होंने अमल किए असवालहाती नेक जन्नात इन बागात है जन्नत उनकी जमा तजरी बहती है मिन तहतिया मिन से तहत नीचे हां उनके मिन तहतिया उनके नीचे तहत तो नीचे है और ऊपर के लिए क्या لفظ आता है अरबी में कुरान में फाऊका फाऊका मबारकला फील الانहारू नहरे नाहरुण की जमा खालदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा उनमें भी इजनी इजन से रब्बीम रब रबहिम अपने के रब्बीम अपने रब के तहययतुहम तहयता दुआए मुलाकात हम उनकी तहययतुहम दुआए मुलाकात उनकी फिया उस उनमें फ़ी हा हा अलिफ फतहा हा जबर हानी अलिफ है तो हा, अलिफ हा जबर हा से क्या समझ हा अलिफ फतहा हा से क्या समझ आता है मोनस या मुजर मोहनस तो क्या किसकी तरफ जा रही है ज़मीर की तरफ जन्नत जजाकल्ला है सलाम उन सलाम होगा बार्हा फ़िल्म तमाम बहने अल्लाह ताला आपके इलमेफे चले रनिंग ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं बखलाफ उसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वहाँ वो अपने रब के इजन से हमेशा रहेंगे और वहाँ उनका इस्तबाल सलामती की मुबारक बात से होगा अल्लाह मजल्ह हमें भी उनमें से बना दीजिए आमीन या अरब मुझे पता है आप म्यूठ हैं आप लोग सब आमीन कहती हैं अः चले आप दुआओं पे अब हम आयत की तरफ आते हैं वउद इनशाला आमन और जो लोग ईमान लाए व अमीर नेक अमल किए उनके साथ क्या होगा वो कहाँ उतखिलूँ कहाँ दाखिल होंगे जन्नात इन तजरीबिन तत्ते हु उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी होंगी नहरें जारी होंगी खालिदीना फी अभी रबीम जहाँ उन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से तो और वो नहरें भी ऐसी होंगी कि हमारे हाँ... हाथ में होंगी जन्नतियों के इंशाल्लाह हम सब भी मुलाकात करेंगे वहां मिलेंगे होंगे बुलंद दर्जे में होंगे अल्लाह की से हमें अच्छा गुमान है इंशाल्लाह तो नहरे भी जो है जन्नती जो होंगे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ताहत फोक यमीन यसार। राइट लेफ्ट क्या है यमीन यसार सब जरफ घुमा जाएंगे ले जाएंगे ताही यहाँ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है ताही या तो तुहम फी हा और उनका जो है मुलाकात का जो ताहिया होगी जो दुआए मुलाकात होगी फिया उसमें सलाम उन सलाम होगा ताहिया तो हम फिया सलाम जहां उनका खैर मकदम सलाम से होगा ये पहले तो अहले शकावत और अहले कुफर का जिक्र हुआ था पीछे फिर अहले सादत और ईमान अहले ईमान का तस्करा हो रहा है तकवा का सदका का आलो तकवा का ईमान का आहल सादत वालों का जिक्र हो रहा है कि उनका जिक्र उनके साथ इसलिए किया गया है ताकि लोगों के अंदर एने ईमान वाला किरदार अपनाने का शौक़ और रगबत पैदा हो हमें भी शौक और रगबत पैदा होता है ना ऐसी हम आयतें सुनते हैं कि इस तरह की नहरें होंगी इस तरह चश्मे होंगे इस तरह के फल होंगे यानी आपस में उनका तोहफा एक दूसरे को सलाम करना होगा अलावा इसके एक दूसरे के आपस में सलाम के फरिश्ते भी हर हर दरवाजे से दाखिल हो होकर उन्हें सलाम अर्ज करेंगे इसी बात को सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوا وفتحت, وفتحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ टिप तुम फत खलुआदीन और जो लोग अपने परव दिगा से डरते रहे, दुनिया में डर डर के जीते थे अल्लाह की नाराज़गी के काम नहीं करते थे अल्लाह की रज़ा के काम करते थे उनको गुरो गुरो बनाकर बहिश की तरफ जन्नत की तरफ ले जाएंगे फरिश्ते यहाँ तक के जब उसके पास पहुँच जाएंगे जन्त के पास और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उसके खजान खजानची जो होंगे उनसे कहेंगे कि ए जन्नति तुम पर सलाम तुम बहुत अच्छे रहे अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ आज दुनिया में कोई हमें सलाम ना करे तो हमें इतना बुरा लगता है मैं तो उसकी महफिल में गई सलाम भी नहीं किया और उसे बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी चले मुझसे बात ना करी मुझसे तो सलाम से भी चली गई मुझे तो इतना बुरा लगा कि इतना हम बैड फील करते हो कहाँ तो जन्नत की खुशखबरी जन्नत में दाखिल होंगे और हर दरवाजे से फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि तुम दाखिल हो जाओ और और फिर उसको सलाम करेंगे वेलकम करेंगे सलाम उला फिर फुरकान में शाद बारी तलाई का गुरफ़ता बीमा सबर इस सिफात के लोगों को यानी जन्नती के जो सिफात हैं उन लोगों को उनके सबर के बदले ऊंचे-ऊंचे महल दिए जाएंगे वहाँ फरिश्ते उनको दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे देखेंगे ऊँचे महल की भी यहाँ खुशखबरी आ गई और फिर फरिश्ते भी सलाम करेंगे और फिर शाद बाली नेमतों उन उन को देखोगे तो बेसाख्ता कहेंगे अल्लाह जन्नत में जो नेमतें होंगे तरह तरह की तो वो लूलू -लू, मोती की तरह जो है गिल्मान होंगे गुलाम होंगे लड़के होंगे जो हर वक्त हमें सर्व कर रहे होंगे उनको देखेंगे फिर उनको जन्नत के फल मेवे जन्नत की नहरे और तो कोई सोच ही नहीं सकता कोई आँख किसी आँख ने नहीं, नहीं देखा और ना कोई दिल सोच सकता हदीस में आता है कि वो जन्नत कैसी होगी सिर्फ हमारी समझ के लिए जो कुछ हमें पुरानो हदीस में बयान किया कर दिया गया लेकिन उसका तो दुनिया की चीजों से कोई मुकाबला ही नहीं तो इन में इन नेमतों को देखोगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुबह अल्लाह और आपस में उनकी दुआ जब वो सलाम सलाम्कुम उन होगी उनका आखिरी कॉल ये होगा कि रब्बुल रब्बालमीन की हमद और उसको शुक्रिया है तो वहाँ पे भी देखें सलाम होगा ना आपस में उनकी दुआ क्या होगी तुम पर सलामती हो तो दुनिया में भी हम क्या करते हैं कोई कोई हमें सलाम का जवाब नहीं देता तो उसके हम सलाम ही नहीं करते उसको सलाम करना चाहिए की रिवायत में आता है फरमाया कि वालेकुम तो सिर्फ चले वही जवाब दे दें अस्सलाम और अगर हम के, तो उसपे दस ने क्या अगर हम कहे बस अः वालेक वरहमतुल्ला तो बीस ने क्या अगर हम के वबर अकात हो तो तीस ने क्या सिर्फ सलाम में हमें पूरे सलाम में तीस ने क्या मिल जाती और अगर कोई सलाम नहीं करता उसको तो जरूर करें कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है और फिर किसी एक कभी ना कभी वो मजबूर हो जाता है जवाब देने पे और अगर नहीं जवाब देता तो उससे बेहतरीन मखलूक फ़रिश्ते हमें जवाब दे रहे होते हैं ये भी रिवायत में आता है फिर खाली घर में दाखिल हो तो वहाँ भी सलाम करके दाखिल हो अस्सलाम व होंम वबाद सलिन तो आपको पता है जिन्नात भी होते हैं तो जिन्नात तो उस घर से भाग ही जाते हैं जहाँ अल्लाह के कलमे और सलाम और सूरतुल बकरा और पढ़ी जाए कहेंगे वो यहाँ तो रहने की जगह ही नहीं है तो दावाऊ फ़िया सुबह नही फ़िया सलाम तो वो आपस में उनकी दुआ जो सलाम अलैकुम होगी और उनका आखिरी कौल ये होगा आखिरी कौल क्या होगा वा वा अनिल होता है, तो, फिनिश होता है, तो हम ये दुआ पढ़ रहे होते हैं ना अः क्या है वाखिर दावाना अनिलदुल्लाबालमीन और तमाम तारीफे अल्लाह के लिए है जो रबालमीन है आपने देखा होगा जितने भी आप आप खुद दर्ज देती हैं या कहीं सुनने जाती हैं या हमारे इस हल्के में भी हम जो है आखिर में ज़रूर ये पढ़ते हैं क्योंकि इसका हमें हुक्म है और कभी हदीस भी हम आपको दिखा देंगे गुजर चुकी है इस पे आप पहले भी इस तरह का कोई आयत आई थी तो हमने हदीस भी कर ली थी अब हम आयत नंबर चौबीस की तरफ आते हैं बड़ी अहम आयत है कि कल मतन तय बतान पाक कलमा ठीक है तो वट वर टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो चौबीस सौ पच्चीस का फिर उसकी डिटेल देख लेंगे हम अच्छा अलम आ क्या लम नहीं तरा आपने देखा कई फा किस तरह दरा बयान की अल्लाह अल्लाह अल्ला ने मसलन मिसाल कली मतन कलमा बतन तय्यब पाकिजा की क शजरतिन क मानिन शजरतिन दरख क मानिन दरख दरख्त तोयिन पाकिजा के अच्छा मुझे बताएं शिन तय्यबिन कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है फे, क्या है बताएं ना जी. जी कैसे पता चला आपको तन्वीन. जी हाँ तनवीन आ गई दो दोनों के नीचे तो तनवीन जो है कॉमन नाउन होता है और अल आता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है ठीक है ना ठीक है जी असलूहा असल असलू जड़ हा उसकी असलुहा जड़ उसकी साबित मजबूत है वफर उ और फर उखे हा उसकी व फर उहा और शाखे उसकी किस समाई आसमान में है चले हम तर्जुमे की तरफ आते हैं रवा तर्जुमा बहुत जो है इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों की मिसाल दी कि मोमिन कैसा किस दरख्त की तरह होता है क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाख आसमान तक पहुंची हुई है तो अब हम आयत की तरफ आते हैं इन जी यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलम तरह क्या आपने देखा नहीं कैफा दराबल मसलन के अल्लाह ताला ने किस तरह मिसाल बयान की किसकी कले मतन पाकिज़ा बात की पाकिजा कलमे की कशरतीयियबिन की, की मिसाल बयान की ये मसल एक पाकिजा दरख्त से कले मतन तय्यबा की मिसाल जो है पाकिजा कलमे की मिसाल एक का शजरतिन तय्य एक पाकिजा दरख्त की मिसाल की तरह है वो दरख्त कैसा होता है अस लुहा साबित जिसकी जड़ मजबूत है वह फर उफ समाई और जिसकी टहनियाँ आसमान में है तो जो है उसके बाद हम दूसरी आयत देख लेते हैं इन दूसरी आयत कर लेते हैं आयत ट्वेंटी फाइव फिर हम तफस करेंगे आयत ट्वेंटी फाइव तूती वो देता है अब उसी फल के बारे में अल्लाह तला फरमाते तू तूती वो देता है उकुल हा फल अपना उकुल फल, उकुला फल हा अपना उकुल हा फल अपना कुल्ला हर ही निम वक् इज्न इजन से रब हा अपने रब के वयद रिबू और बयान करता है अल्लाह अल्लाह अमसाला मिसाले मसल उनकी जमा अमसाला लिन ना से लोगों के लिए ला शायद के हम वो ला शायद के वो तक कर वो नसीहत पकड़ें रवा तर्जुमाशन आया ट्वेंटी फाइव हर आन वो अपने रब रब के हुम से अपने फल दे रहा है ये मिसाले अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक सीख लें तो अब ये है कि आयत की तरफ आते हैं अब इस फल के लिए अल्लाह ने कहा कि कले मतन तयब है एक जो है पाकिजा दर की तरह है अब उसकी अल्लाह तला मिसाल दे रहे वो कैसा है तूती आ, जो अपने के से हर वक्त अपने फल लाता है इसका मतलब ये है कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक्त फल देता है इसी तरह मोमिन के आमाल सवाल शबर के लम्हा में हर आन हर घड़ी आसमान की तरफ ले जाए जाते हैं कलमा तय से इस्लाम या ला लाला ला और शजरा तयबा से खजूर का मुराद है अभी हम इसकी सारी तफसीर भी देखते हैं हदीस भी देखते हैं वैयद, वैयद ताला ला करून। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसाल बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें तो हम आयत नंबर ट्वेंटी की तरफ आते हैं और हम तफसीर दोनों की ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव की डिटेल में करते हैं इन शह कली मतन तय्यबन का मतलब है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पाक कलमा ठीक है पाक कलमा क्या है स्क्रीन पे आप देखें ला तस्बी तस्बी होती है हर तरह की तस्बी जो आप करते हैं अल्लाह की जो है तारीफ बयान करते हैं तस्बी और तहमीद करते हैं अल्लाह का जिक्र और कुरान मजीद और कशरअन तयबतिन पाकिजा दरख यानी खजूर का दरख जो कि मोमिन को तजबी दिए कि वो इस तरह का दरख्त होता है तो अब हम देखते हैं आयत नंबर ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी हम देखते हैं इनशाला आयत नंबर ट्वेंटी फोर कई मसलन क्या तुमने देखा नहीं बयान की अल्लाह ताला ने एक मिसाल तो कुरान पुरा, पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सी मिसालें बयान की हैं और मिसालों के ज़रिए लोगों को समझाया है अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल किसको कहते हैं मिसाल होती क्या है मिसाल का मतलब क्या है ठीक है तो सवाल की तस्वीर कशी जो बात इंसान की अकल में हो उसको हिस्सी तौर पर पेश करना यानी माक़ूल को महसूस में लाना माकूल क्या होता है वो चीज़ जो अकल में समझ में आए यानी जो आपके दिमाग में है इमेजिनेशन में है उसको आप किस तरह पेश करें और और महसूस क्या चीज हो होती है जिसको आप टच कर सकते हैं छू कर छू सकते हैं फील कर सकते हैं तो मिसाल किस लिए होती है माकूल को महसूस में लाकर समझाने के लिए यानी ख्याल की तस्वीर कशी जैसे एक पेंटिंग होती है तो वो वो किसकी भी हो वो कोई थॉट हो थि, जो थिंकिंग हो जो होता है उसको जो है तस्वीर कशी करके कैनवास पर ले आया जाता है तो मिसाल भी इसलिए बयान होती है कि इंसान जो है इंसान के जो एब्रेक्ट आइडियाज हैं उनको ऐसी शक्ल दी जाए जिससे बात फौरन और जल्दी समझ में आ जाए ठीक है तो, तो आपको कहा जाए कि पीला रंग तो आप सोचते रहेंगे इमेजिन करने लगेंगे कि लेकिन अगर आपको पीले रंग की चीज दिखा दी जाए तो ये क्या है मिसाल सो ये क्या है कि दिस इज एन एग्जांपल तो अवलम तरह क्या तुमने देखा नहीं गौर नहीं क्या जाना नहीं कैफा कि किस तरह ये कभी गौर किया तुमने कि किस तरह दरब दरबल बयान किए अल्लाह ने मसलन एक मिसाल एक मिसाल बयान की है इस मिसाल पर कभी गौर किया क्या है वो मिसाल किसकी है वो मिसाल कल मतन तय बतन देखिये आपकी आयत बता रही पाकिजा कलमे की कलमा तय की अब कलमा क्या होता है लफ्ज या जुमला जो मुंह से निकलता है उसको कलमा कहते हैं और जो चीज मुंह से निकलती है वो आप महसूस नहीं कर सकते आवाज नजर नहीं आती कोई शक्ल नहीं होती लेकिन आपको आप उसको किसी ऐसी चीज़ से मिसाल देते हैं जो नज़र आती है तो फिर क्या होता है बात जल्दी समझ में आती है पूरी तरह समझ में आ जाती तो मतन तयबतन क्या होता है कलमा कले मतन तय्यब लाला के लिए मशहूर है आप सब ने बचपन में पढ़ा होगा आपको याद कराया गया होगा पहला कलमा तयब देखे ला याला याला भी स्क्रीन पे देखें पहला कलमा तयब मानी पाक कलमाए कहते हैं ना पहला कलमा तयब तयब माने पाक तो पाक कलमा क्या है वो ला अल्लाह दिखा दीजिए ला यानी कलमाए तो जिसमें हमारा ईमान बेस करता है इसके अलावा कलमाए तब क्या है पाक कलमा और अच्छी बात अच्छी बात में जो मसून असकार वगैरह है नबीम ने कहे हैं नबी कहे हैं और सबसे अच्छी बात किसकी बात है अल्लाह की बात और वो क्या है कुरान मजीद पे आयत देखें अल्लाह हदीस अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी बात तो वो उसको हदीस हाँ कहा गया तो कलमा कलमे को इस वक्त आप दो मानी दो मानी बुनियादी तौर पर ले लीजिए एक को ला इलाहा इल्लल्लाह तस्वी या अल्लाह का जिक्र जिस कलमे में होता है और दूसरी कुरान मजीद तो जो है क्या तुमने देखा अल्लाह ने किस तरह मिसाल बयान की है कलमा तय की उम्दा दरख के साथ उसकी मिसाल उमदा दरक की तरह शजरतन जो है वो पाकिज़ा अच्छा और आ, का फिर मिसाल के लिए आया है इस दरख्त से मुराद खजूर का दरख्त आयत ही दिखाएं दरख्त है क्योंकि वटूवट तो हो, हो चुका है कहाँ से पता चलता है एक हदीस से सही बुखारी की रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से तो अब हम हदीस देख लेते हैं सही बुखारी शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर रदाना से मनकूल है सही बुखारी फोर सिक्स नाइन एट के हम नबी करीम ससम के पास बैठे हुए थे जो आप सस्म ने फरमाया मुझे बतलाओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान के मुशाबे है जिसके पत्ते नहीं झड़ते न जाड़ों में न गर्मियों में जो अपना फल हर मौसम में लाता रहता है सैदना अब्दुल्ला बिन उमर रदमा फरमाते हैं मेरे दिल में आया कि कह दूं वो दरख खजूर का है लेकिन मैंने देखा कि में अबू बकर आनुमा है उमर आनुमा है उमर वो खामोश है तो मैं भी चुप सा रहा सा हो रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दरख खजूर का है जब यहाँ से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद उमर रद से ये जिक्र किया तो आप रजिला ने फरमाया प्यारे बच्चे अगर तुम ये जवाब दे देते तो मुझे तो तमाम चीजों के मिल जाने से भी ज़्यादा महबूब था इसी हदीस को इबन उम्रते हैं खजूर का घाबा खा रहे थे यह हदीस टू टू जीरो नाइन सही बुखारी उसी वक्त ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त मर्द मोमिन की मिसाल है मेरे दिल में आया कि कहूँ कि ये खजूर का दरख्त है लेकिन हाजरीन में ही सबसे छोटी उम्र का मैं था इसलिए बतौर अदब में चुप रहा फिर आपसे खुद ही फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है तो अब हम देखते हैं तो सवाल का जवाब किसी मजलिस में देना और खास तौर पर जब आता हो तो उसमें झिझकना नहीं चाहिए क्योंकि अब्दुल्ला इमने उमर झिझके क्योंकि उन्होंने समझा कि बेअदबी होगी कि अकाबिर अबू बकर और मेरे वालिद उमर रद्द मौजूद है तो मैं कैसे जवाब दूँ तो बहरहाल शजरत तय्यबन जो है उमदा दरख खजूर का दरक और खजूर का दरख जिसकी तफसील आपने खुद बताई कि वो क्या है कि जिसके पत्ते कब नहीं झड़ते बाकी दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और लेकिन वो खजूर का दरख एवरग्रीन होता है और यहाँ हदीस से पता चलता है कि आपने उसको मोमिन से तजबी दी तो कोया, कौन मुराद है, तो वो जो कलमायत तय्यबा पढ़ ले क्योंकि कलमा तयबा अगर आपको कहा जाए तो आपको नहीं नज़र आएगा तो वो कहाँ होता है वो हमारे दिलों में होता है या मोमिन की ज़बान पर होता है ला लहा और मोमिन का अमल उसकी तस्दीक करता है क्योंकि ईमान जो है तीन चीज़ों का नाम है और अब आप दरख्त की तस्वीर देखें स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा कि ईमान तीन चीज़ों का नाम है ठीक है अब आपको बताया जाता है वो पे देखें मिसाल कल मतन तयबतन कलमा तयबा पाकिज़ा की वो दरख्त दिखा दीजिए तोहिद की मिसाल तयबतिन मानन दरख्त पाकिजा के ठीक है अब आप देखें तो क्या होता है हमने जबान से कहा ला लहा ठीक है ला लिसानी जबान से इक़रार देखें लिसानी जबान से अकरार देखें जो तना जो है जो उसकी तना जो है दरख्त का तो ये जबान से इकरार होता है ना लिसान कहते हैं जबान को ला ला लल्ला तो ईमान तीन चीजों का नाम है लिसानी जिक्र जबान से इकरार और कल भी यानी दिल से तस्दीक जबान से इकरार के अब दिल से भी उसको माने कि वाकई ला ला, ला ला लल्ला नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के ठीक है तो ये जो है दिल क्या होता है जड़ों में हमारे जड़ों में एक चीज चली जैसे आप ससम ने कहा कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है ठीक है ना शज कली मतन तय्य बातन और शजरतान तयब मानी दर पाकिजा के तो वो कौन सा दरत है खजूर का है तो जबान से अखरार किया उस पर तना दिखा दिया ठीक है और दिल से कल्ब से तस्दीक की तो वो हमारी जड़ों बुनियादों में चला गया ईमान दिल में चला गया दिल ही तो है ना जहाँ से अगर दिल में कोई चीज आ गई तो फिर सारे अमल जो है अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक होते हैं क्योंकि दिल में एक बार जड़ पकड़ लेती है जैसे खजूर के दरख्त की जड़ है ठीक है जब दिल में दिल से हम तस्दीक कर लेते हैं तो वो बात हमारे दिल में जड़ पकड़ लेती है और ईमान उसी तरह हम जब हमारा ईमान हो जाता है कि हम अल्लाह ताला की आ, हर अहमाम को मानते हैं और जिससे मना किया, उससे रुकते हैं कुरान हदीस पे चलते हैं और फिर लसानी जबान से अकर दिल से तस्दीक और फिर अमल की तस्दीक जो है जवारे से होती है यानी हमारे जवारे हमारा पूरा जिसम जो है उसकी तस्दीक करता है नमाज हम अच्छी पढ़ते हैं फिर हमारे औजात जो है नमाज में झुक जाते हैं पांच नमाजों के अलावा जो है फिर नवाफिल भी पढ़ते हैं शा जो है तहजद हो गई चाश की अशराक हो गई जिसको चाश को दुआ कह रहे सारी नमाजें हो गई तरावी हो गई सारी नफली इबादत भी हक पढ़ते हैं तो जो है ये तीन चीजें मिलकर ईमान बनता है और ये एक ट्रा ट्राइंगल है जमान से अकरार लिसानी अकरारलब कल्ब से तस्दीक और जवारे से अमल की तस्दीक तो एक ट्राइंगल बनता एक भी कोना गिर जाए इस ट्राइंगल का तो ट्राइंगल बाकी नहीं रहता मुकम्मल रह, नहीं रहता अब आप देखिए फिर शजर तयबतन से मराद हम किस किस को लेंगे मोमिन को लेंगे वो मोमिन जिसके दिल में सच्चा ईमान है उसकी मिसाल एक अच्छे दरख की है कैसा है वो दरख्त अस लुहा उसकी साबित उसकी जड़ साबित हैबित का मतलब होता है गड़ी हुई है जमी हुई है इसकी जड़ें जो है ना खजूर के दरक की गड़ी भी होती है जमीन में ज, 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 जड़ी जुड़ी भी होती है बिल्कुल उसकी जमीन में जो है जुड़ी गड़ी भी होती है बहुत ज्यादा जो है जो है गड़ी भी होती है उसकी जमीन में ठीक है और जमी भी होती है तो कौन सा दरख साबित होता है खजूर का दरख जो जमा हुआ होता है तो इसीलिए आपसे सब कुरान में अल्लाह ताला ने मोमिन को खजूर के दरफ से तशबी दी आंधी आए तूफान आए ये दरख खड़ा ही रहता है जिसकी जड़ मजबूत होती है अगर जड़ मजबूत ना हो तो एक झोंका काफ़ी है उसको गिराने के लिए तो असलुहा साबित यानी कलमाए तैयबा मोमिन के दिल में जाकर जड़ पकड़ लेता है और वह दिल की रग रग गोशे गोशे और एक एक चीज में पेबस्त हो जाता है फिर पूरा दिल उससे जकड़ जाता है पूरे दिल को वो कवर कर लेता है तो ये कलमा एक, एक दरक़ की शक्ल में मोमिन के दिल के अंदर रासिक हो जाता है वफ़र समाई और उसकी शाखे आसमान तक जाती हैं ये क्या है उसका अमल जो बुलंद है देखे ना अब उसकी शाखे आसमान तक चली गई तो कैसे बुलंद होता है उसका अमल बुलंद होता है पंच बहुत ऊंचा है उसका अमल यानी बुलंदी के एतबार से वो दरख्त बहुत ऊंचा है लेकिन वो ऊंचा कब होता है जब अमल ज्यादा होता है अमल के साथ बढ़ता है और ऐसा दरक आंधी हो तूफान हो वो अपने पूरे रेंजर के साथ अपनी अजमत के साथ स्टैंड स्टिल खड़ा रहता है जमा रहता है मुखालफतें हों यानी उसकी मुखालफत की जाए उसके अगेंस्ट को जो हो जाए उसकी मुफ्कतें हों यानी मुफ़क्त का मतलब उसके फेवर में हो उसकी मुखालफत में हो सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो कुछ भी हो वो खड़ा है और सब्ज तो सच्चा में फिर कौन हुआ कि जो हर माहौल में हर हाल में हर सर्दी गर्मी में दिन रात खड़ा रहे फिजा नहीं आती उस पर हमेशा उस पर ईमान की बहार रहती है वो हर मौसम में हर माहौल में अपना अमल मोमिन जारी रखता है वो नेकी के काम नहीं छोड़ता वो करता चला जाता करता चला जाता करता चलता जाता अपने अंदर तकामत पैदा कर होती पैदा करता है स्टेट फास्टनेस होती है सिर्फ ये मिसाल मर्दों के लिए नहीं औरतों के लिए भी है जैसे हम देखते हैं मसलन मसल उमर रदीनों की दौरे जहालत में जब वो ईमान नहीं लाए थे तो अपनी बहन को ईमान लाने और ईमान लाकर कुरान पढ़ने पर इस कलमे की वजह से ला 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 की वजह से खूब मारा और कितना मारा था कि लहू लान कर दिया था बहन भाई को मार रहा है क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया था बहन ने और आगे कुरान पढ़ रही है लेकिन क्या उमर रद की बहन ने के ईमान में कोई कमी आई कोई कमी नहीं आई कुछ भी नहीं वो टस से मस नहीं हुई आज हमारा कोई भाई हमें कुछ कह दे कि तुम क्या पढ़ती रहती हो और क्या पढ़ रही हो तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हम कैसे दरकते हैं हमारा कैसा ईमान है जो हर छोटी सी बात की तारीफ की, की तारीफ और किसी की तनकीद किसी की मुखालफत से हम डामाडोल होने लगते हैं उस पर फौरन जो है फिजा आ जाती हम पर हम खो जाते हैं और अपना ईमान जो है मुतजर कर बैठते हैं लेकिन जस्ट जिस दर की जड़ मजबूत हो और जो एवरग्रीन हो जिसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं का शजर तयिन और जिसके अमल का सिलसिला जारी रहे यानी उसकी ग्रोथ मुसलसल हो रही है और वो बढ़ता चला जा रहा है यानी मोमिन जो है वो दरख की तरह बढ़ता है और दरख कैसे बढ़ता है हर रोज थोड़ा सा बढ़ता है और गैर महसूस तरीके से बढ़ता है बढ़ता चला जाता है और जड़े भी मजबूत करता जाता है और खुद भी ऊंचा उठता चला जाता है तो और फिर इबाद देखे ना किसमें बढ़ता चला जाता है देखें उसी उसी उसको देखें अः ईमानियात में बढ़ता चला जाता है ठीक है इबादात में बढ़ता चला जाता है उसकी जो है खुशबू अब ईमान जबान से इकरार किया और इस जड़ों की तरह दिल से तस्दीक कर ली तो जो उसके अमल बढ़ते गए तो ईमानियात में बढ़ गया फिर इबादत में भी बढ़ता चला जाता है वो सिर्फ फर्ज नमाजें नहीं पढ़ता वो फिर वो है नफरी नमाजों पर भी तोजा देता है शराब ताजु और जो है दोहा की नमाज और जो जिसको चाश की नमाज कहते हैं तो फिर रमजानों में फिर हज के जो दिनों में इबादत होती है, खूब खूब इबादत करता है सुबह शाम के असकार हर और हर वक्त हर वक्त की दुआ पड़ता है बाथरूम की सोने की जागने की यानी वो हर वक्त उसकी जबान जो होती है अल्लाह के जिक्र से तर रहती फिर मामलात में भी जो है वो ऐसा तरीके से काम करता है क्योंकि ईमान जड़ कर गया है ना दिल के अंदर तो तो खजूर के दर की तरह जड़ की तरह उसके मामला उसके लेन देन कारोबारी हो शोर से हो बच्चों से हो पड़ोसियों से हो रिश्तेदारों से हो वाले से हो सासर से हो चाहे वो जॉब प्लेस पे हो चाहे वो बिजनेस में हो ईमानदारी से काम लेता है और अपनी जॉब पे भी वक्त पे जाता है अगर हाउस वाइफ है तो घर के भी काम वो हाँ, पूरी फैसिलिटेट करती है बच्चों को शौर को खाने में पीने में कपड़ों में आयरनिंग में घर की सफाई में हर चीज़ में वो सेहत का भी ख़्याल करती है इफ्ज़ान सेहत के असूलों का भी ख्याल करती है और वो बहुत ज़्यादा नींद करना बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़्यादा नहीं करती है हर वक्त जो है ऐसा तरीके से सारे काम करती है दुनिया का कोई भी काम और अखलाकियात उसके अखलाक भी बहुत अच्छे होते हैं कोई जबान से भी वोला क्या है कि कुल उलिन ना से हुना हमेशा ज़बान से भी अच्छे अल्फाज निकालती है और आप ससम तो फरमाते हैं कि मैं मकारी में अखलाक के लिए भेजा गया हूँ तो उस मकारी में अखलाक पे वो आप ससम की सुन्नत पे अख्लाक पे भी अमल करती है उसको अमल में लाती है तो बच्चे भी अच्छे अखलाक सीखते हैं इन जबान से भी वो बुरे कलम नहीं निकालती है ना तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं फिर हम आयत नंबर पच्चीस देखते हैं इन शह तो तीकुल्ल आई स्क्रीन पर देखें हाँ जी आ गई के तूती कुल्लाकुल्ल देता है अपने फल हर वक्त हर आंध तो यानी फायदा मंद है वो सिर्फ अपनी ज़ात में बलन नहीं है मोमिन बल्कि सिर्फ अपनी नेकियों के पहाड़ नहीं जमा के बल्कि वो अपने से दूसरों को फायदा पहुँचाता है और कुल्लून से मुराद वैसे तो वक्त होता है लेकिन इससे मुराद वो जो फल देने का वक्त होता है इससे मुराद जो फल देने का वक्त होता है उसमें वो खूब खूब फल देता है यानी दूसरों को खूब खूब फैजिया फैज पहुंचाता है और खजूर के दरख्त पर जो खजूर लगती है खजूर की एक एक चीज़ जो होती है इंसान के लिए फ़ायदे और सेहत की होती है फिर अल्लाह ताली फरमाते हैं भी इज़नी रब भी हाँ अपने रब की तोफ़ी से इजन से मुराद यहाँ तोफ़ी है अल्लाह की तोफ़ी से वो उसको अपना कमाल नहीं समझता अल्लाह की दीवी तोफ़ी से हमेशा फल देता है वो देने वाला होता है वैद रबाल अमसालान्नास और अल्लाह बयान करता है लोगों के लिए मिसाल बात का आगाज़ भी मिसाल से हुआ और अख्ताम भी लहम्म ताकि वो तजक करूँ वो नसीहत पकड़ें वो बात को समझें अब हम जो है हदीस इसके मुतालिक जितनी अदीस है वो देख लेते हैं फिर बाद में कलेमतुल जो है ख़बीसा के मुतल पढ़ेंगे तो इसके मतलब अदीस हैं कि एक तो है सुद्रानी की हदीसला इला इल्ला अल्लाह की शहादत سيدنا इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं سيدنا इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि लाला ला ला की शहादत है पाकिज़ा दरख़ की तरह का मोमिन है उसकी जड़ मज़बूत है यानी मोमिन के दिल में ला लाला जमा हुआ है उसकी शाख आसमान में है यानि इस तौहि के कलमे की वजह से उसके अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं और भी बहुत से मुफसरन से यही मरवी है कि मुराद इससे मोमिन के अमाल हैं उसके पाक अकबाल और नक काम मोमिन मसल खजूर की दरक के है हर वक्त हर सुबह हर शाम उसके अमाल आसमान पर चढ़ते रहते हैं फिर हम हदीस सही बुखारी की हदीस देख लेते हैं कि अब्दुल्लाम बि, उम्म, बिन उमर रद्द से मरकूल है कि हम नबी ससम के पास बैठे हुए थे तो आ, बैठे हुए थे तो आप ससम ने फरमाया दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं जड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है मुझे बतलाओ वो क्या दरख्त है तो लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ गए और मेरे दिल में आया कि मैं बतला दूं कि वह खजूर का पेड़ है अब्दुल्ला कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई और मैं चुप ही रहा तब लोगों ने अस किया यार रसूल अल्लाह आप ही खुद इसके बारे में बतलाइए आप ने फरमाया वो खजूर है अब्दुल्ला रद्ला कहते हैं कि मेरे जी में ये अब्दुल्ला बिन इबन उमर है उमर रदानु के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालद उमर रदू को बतलाई वो कहने लगे कि अगर तू उस वक्त कह देता कि खजूर का दरख्त है तो आपसे सबके सवाल का जवाब तो मेरे लिए ऐसे ऐसे सरमाए से ज्यादा महबूब होता <coughs> वालदे हमेशा चाहते बच्चों को आतालीम वो इल्म हो आगे पहुंचाए लेकिन अब्दुल्ला इतने उम्र जो है खामोश रहे कि मेरे वालिद भी वहाँ पे खामोश थे हजरत उम्र भी मौजूद थे अकाबिर साहबा मौजूद थे तो मैं कैसे बोलता अदब की वजह से वो खामिश खामोश थे, खामुश थे। अब हम एक और मुर्सल हदीस देखते इब्ने हातिम में है कि रस किसी ने रसूल्लासम से हंसक्याजू सलम मालदार लोग दर्जात में बहुत बढ़ गए आप ने फरमाया कि याद रखो अगर तमाम दुनिया की चीजें लगकर अंबार लगा दो तो भी वो आसमान तक नहीं पहुंच सकते तुझे ऐसा अमल बताओ जिसकी जड़ मजबूत और जिसकी शाख आसमान में उसने पूछा वो क्या है फरमाया दुआ लाला अकबर बस रुबहान हर फर्ज नमाज के बाद दस बार कह लिया करो जिसकी असल मजबूत और जिसकी फरा जिसकी शाखे आसमान में है एक और रिवायत में आता है कि जिसने ला कहा बहुत उसका वेद रखा तो जब मीज़ान पे तराजू रखे जाएंगे तो उस तराजू के एक पलड़े में अगर ला ला लल्ला डाला जाए दूसरे पलड़े में अमाल हो तो ला ला लाला का पल्ला भारी हो जाएगा और जो ला ला लला मेरी बहनों बहुत पड़ा करें क्योंकि मर मर के बिस्तर पर मौत में और सकरात के आलम में भी फिर जबान पे इनशा जारी हो जाएगा ला लाला ला, और मरने वाले को भी जो है आप कहें के वो ला लाला उसको फोर्स ना करे वो बड़ी अजियत में में मुश्किल होता है आप पढ़ना शुरू कर दे के सिवा कोई इज नो वर्दी और <coughs> जाम तिरमिजी की हदीस है आप के पास टोकरी लाई गई जिसमें तरोताज़ा पकी हुई खजूरें थी आपने फरमाया

हम देख लेते हैं फिर से वो स्लाइड कले मतन तय्यता पाक कलमा ये सारी हमने डिटेल पढ़ी पाक कलमे के बारे में कले मतन बतन का मतलब पाक कलमा हमारी आयत ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में था पाक कलमा का मतलब होता है ला तस्बी अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद तो ये सब आप करती हैं मुझे मालूम है बहुत ज्यादा सुबह शाम के असबाजार और तस्बी और अल्लाह का जिक्र कुरान की तिलावत भी बहुत करती है सलके में भी आपका कुरान कवर हो जाता है तयबतिन तो कलेम तयबतन की मिसाल पाकिजा दरख्त की तरह है वो पाकिज़ा दरख्त क्या है खजूर का दरख्त है और मोमिन को खजूर के दरख्त से तो कशर तयबतिन से अल्लाह ताला ने मिसाल दी आयत नंबर चौबीस सूरत हमारी इब्राहिम में और जिसकी हमने तफसील हमने कर ली वह जितनी अल्लाह ताला को मंजूर थी वह माँ तोफ़ी अल्ला बिल्ला और अल्लाह ताला इस पे अमल करने वाला हमें बना दे हम भी ऐसे मोमिन बन जाएं जिसकी मिसाल अल्लाह ने दी है खजूर के दरख्त की तरह जो हर वक्त जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है उसके अमल जो है हर वक्त बढ़ते ही रहते हैं बढ़ते ही रहते हैं ज़बान से जो है करार करता है तो दिल उसकी तस्दीक करता है और उसकी जड़ और बुनियादों में जो है जो तस्दीक करता है वह बैठ जाती है तो उसके ईमानियात उसकी इबादत उसके मामला उसके अखलाकियात सब कुछ ऐसे ही होते हैं जो ताला ने जिसके करने का हुक्म दिया है और वो अल्लाह ताला को राज़ी करता है और इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला ऐसा बना दे और अल्लाह हमें हमसे राज़ी हो जाए जैसी मिसाल हमने पढ़ी अमीन अरबला अब हम आते हैं कले खबीसतन की तरफ देखे अल्लाह ताला ने फौरन अपोज़िट भी बता दिया कि कले मतन खबीसतिन क्या है तो कले मतन खबीस जो है खबीस कलमा गंदा कलमा घटिया कुफर का कलमा शरक का कलमा अब फिर उसी की मिसाल शजरतिन कश का कशरा खबीसतिन उसकी मिसाल खबीस दरख गंदा दरक और जो है अरबों के यहाँ एक दरख्त होता था हंजल जिसको हम लोग इंद्रायन कहते उर्दू में तो ये हंजल या इंद्रायन का दरख्त था कांटेदार और कड़वा होता था तो अब हम इसका इसको पढ़ लेते हैं वट्ट तर, लफ्जी तर्जुमा देख के फिर इसकी तफसीर करते हैं इन आयत नंबर ट्वेंटी और मिसाल कलमा खबी खबी सा नापाक शाहन का मिसाल के लिए आता है यानी मानद यानी उस जैसा शाहन दरक शाहजिन मानदर खबी सतिन नापाक इशतुत इजुस्सत इजुस्सत जो फाड़ा गया मिन फोकी ऊपर से देखे ताह तेहा का अपोजिट आ गया फोक आप लोगों ने जवाब दिया था करेक्ट देखे अल्लाह कह रहे हैं आपने करेक्ट जवाब दिया था ऊपर अल अर्दी जमीन के माँ नहीं नहा उसके मिन करार कोई करारनिंग ट्रांसलेन आय ट्वेंटी आय ट्वेंटी इनशा जी रनिंग ट्रांसलेशन कहते हैं आय ट्वेंटी सिक्स का और कलमाए खबीसा की मिसाल एक बदजात दर किसी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है उसके लिए कोई इसकाम नहीं है चले हम जो आज की तरफ आते हैं इंशाल्लाह मसलु कलिमतिन खबीसतिन और नाप नापाक कलमे की मिसाल नापाक बात की मिसाल कैसी है खबीसतिन जो है उसकी मिसाल जो है खबीस दरख गंदे दरख किसी है सत जो जम, जो अर्दी जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया हो माँ फिर करार, और उस, उसे सबात तो है ही नहीं कुछ सबात तो है ही नहीं तो कलमा खबीसा से मुराद कुफर और शजर खबीसा कलमा खबीसा से मुराद होता है कुफुर और शजर खबीसा खबीस दरख से मुराद हंजल इंद्राइन का दरख्त मुरादे जिसकी ज़मीन जिसकी जड़ ज़मीन के ऊपर ही होती है और जरा से इशारे से उखड़ जाती है यानी काफिर के अमाल बिल्कुल बेहसी न वो आसमान पर चढ़ते हैं ना अल्लाह की बारगाह में वो का दर्जा पाते हैं तो अब हम इसकी भी तफसीर कर लेते हैं तो हम देखते हैं फिर से शुरू करते हैं हम इसकी तफसीर कले मतन खबीसता इशल्ला मतन खबीसता ख़भीश कलमा गंदा घटिया कुफुर का कलमा शिर का कलमा कशर खालिम खबीसिन की मिसाल जो है खबीस दरख्त की गंदे दरख्त सी है हंजल इंद्राइन का दरख जो अरबों क्या होता था उसको अरबी में हंजल कहते हैं और इंद्राइन उर्दू में कहते हैं तो हंजल या इंद्राइन का दरख जो कि कांटेदार और कड़वा होता है अब हम आयत नंबर छब्बीस को भी स्क्रीन पे देख लेते हैं इसके बरक्स मिसाल खबीस कलमे की खबीस गंदा घटिया और कलमा मिन करार और नापाक वट आयत दिखा दें और नापाक बात की मिसाल ऐसे दरक जैसी है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया हो उसे कुछ सबात तो है ही नहीं चले नहीं है तो कोई ये देख लेते हैं ये भी आयत ही है ना ठीक है तो इसके बरक्स मिसाल खबीस कलमे की ख़बीज कलमा ख़बीस गंदा घटिया और कलमे से मुराद फिर कलमाए कुफ़र या कलमाए शिर्क है या कलमा तो कलमा है लेकिन मुनाफत मुनाफिकत के साथ अदा किया हुआ सच्चे दिल से अदा नहीं किया जिसे हुआ मुनाफिकत के साथ अदा किया हुआ है सच्चे दिल से अदा नहीं किया जैसे वो भी दरख्त है और ये भी दरख्त है जो है दूसरा दर जो था वो तयब था अच्छा दर था वो भी दरख्त था और ये भी शजर है मगर ये क्या है कि कैसा दरख्त है ये, ये खबीज दरख्त है क्योंकि आगे उसी उसको भी दरख्त से ही मिसाल दी का दीजर अतिन, अतिन उसकी मिसाल खबीस दरख्त जैसी है इसकी मिसाल खबीज दरख्त जैसी कहा जाता है और कहा कहा जाता है कि अरबों के यहाँ खबीज दरख्त वो हंजल इंद्राइन का दरख मुराद है आ, मुराद था कांटे भी होते हैं कड़वा भी होता है और उसकी जड़ जमीन से बहुत ही ऊपर होती है और जरा से इशारे से उखाड़ जाती है इंद्राइन जिसको उर्दू में कहते हैं और खबीस जो है इश्त जो उखाड़ दिया गया हो और जीम सासा जो है जो है ना इश्त इश्तुसत इश्त जो है इसका वर्ड है जीन सासा जो जड़ से उखाड़ दिया गया हो उसको कहते हैं िनफोक इन अर्दे ज़मीन के ऊपर से माल हम इनकरार उसके लिए कोई करार इस तकरार और इस तकाम वो ठहर सकता ही नहीं क्योंकि वह नाकारा है और जो है आ, मुफीद गैर मुफीद है ख़राब है बेकार है कोई बेकारद दरख्त चला हुआ दरख्त जिससे कोई फ़ायदा ना पहुंचे कोई बाकी नहीं रहता जो दरख्त सूखा हुआ हो फल ना देता हो सब ना हो उसका क्या अंजाम होता है उठा पड़े फेंक दिया जाता है जला दिया जाता है अखतित कर दिया जाता है तो यहाँ दो इंसानों का मुकाबला है दो इंसानों का कम्पेरिज़न किया गया एक है मोमिन जो कलमा तैयबा पढ़ता है जो कुरान पढ़ता है वो कुरान के साथ हर रोज़ ग्रो करता है उसका ईमान बढ़ता चला जाता है उसके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और वो बुलंद होता चला जाता है जैसे एक दरख्त हर रोज़ बड़ा होते होते बहुत ऊंचा चला जाता है यानी उस उसके ईमान में मुसलसल तरक्की होती है वो रुकता नहीं है और उसके बरस जो मुनाफिक होता है वो भी कलमा पड़ता है वो भी ला 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 कहता है लेकिन कोई गज़ा नहीं देता उसका दरख़ सूखा हुआ होता है कोई अमल नहीं उसके पास उसमें सच्चाई नहीं दिल का यकीन नहीं उसके पास वो वाला दिखा दे दूसरा वाला स्लाइड दिल का यकीन नहीं उसके पास उसमें कोई सच्चाई नहीं है दिल का यकीन नहीं है खलिहा नहीं है लिहाजा अमल भी वैसे ही है कोई रोजाना ईमान में तरक्की नहीं होती कुरान के पास गुजरता भी नहीं लिहाजा जिस चीज़ से उसको गज़ा मिल सकती थी वो गजा है ही नहीं कोई नहीं जब दरख को पानी ना मिले तो क्या होता है सूख जाता है जल जाता है कोई फल नहीं देता उसी तरह जिस शख्स के अंदर ईमान ना हो मुनाफिकत हो फिर कलमा पढ़ा और उसके बाद भूल जाए ईमान को सींचा सींचता भी नहीं पानी नहीं देता तो जिस दरख्त को सींचा नहीं जाता पानी नहीं दिया जाता तो उस दरत को क्या होता है ना वो बढ़ता है ना वो फल लाता है ना उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है ना वो फ़ायदा देता है और एंड ऑफ द डे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो उसके अंदर कोई स्तामत नहीं होती कोई करार नहीं हो सकता तो ये फिर आयत की तरफ देख लेते हैं वामा इनकरार्ई जो है जगह नहीं सूरत तो राहत में रात में भी आया था वाम माँ एनफोन्नासम कुछ फिलत जो इंसान को फ़ायदा देती है वह ज़मीन में ठहर जाती और जो फ़ायदा नहीं देती वो चीज़ ज़मीन से उखड़ जाती और जो फ़ायदा मंद नहीं होती वो ज़मीन में ठहर नहीं सकती वो ख़त्म हो जाता है वो खाड़ फेंका जाता है तो दुनिया में उसकी वैल्यू और कोई कदर नहीं होती अगर कोई इंसान इल में अमल में तकवा में गुरु नहीं करता तो अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं वो दुनिया में भी अपने वजूद से दूसरों को सही तौर पर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ जिसमानी तौर पर नहीं शोरी तौर पर भी अखली तौर पर ईमानी और रूहानी तौर पर ग्रो करे और मरते दम तक ग्रो करता चला जाए इसलिए कहा गया इल्म हासिल करो महत से ला तक अकवायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव यानी पिंगोड़े से लेकर कबर तक मरने तक क्योंकि ये इल्मी से ये कुरान है ये ये इल्मी है ये कुरानी है जो इंसान को रोज़ आज देता है अगर इस वक्त अगर आपकी ईमान की हालात अच्छी है कल से तो ये कुरान की बरकत है अगर आप देख रही हैं कि कल से आज, आज आपकी ईमान की हालत अच्छी है और खास तौर तो पर इन आयत को पढ़ने के बाद तो ये कुरान की बरकत है तो और आप कुरान को छोड़ देंगे तो ये दरख्त सूख जाएगा ये कभी भी सब्ज नहीं रह सकता और अगर ये सूख गया तो कोई फ़ायदा नहीं कल क़्यामत के दिन इससे कुछ नहीं निकाले निकाल निकलेगा फिर हम देखते हैं कि दरख्त किस तरह सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है तो मोमिन के अंदर भी सब्र होता है हर तरह के हालात में अपने आप को महफूज रखता है फिर ये कि वो दरख्त बुलंद होता है मगर उसमें कोई जो है फ़खर नहीं होता मोमिन कितना भी ऊँचा चला जाए फखर नहीं होता, होता आमतौर पर दुनिया में जिसको फलने फूलने का मौका मिल जाए वो उसमें गुरूर और सरकशी आ जाती है लेकिन मोमिन के अंदर जो है शुक्र में इजाफा होता है उसके अंदर सरकशी नहीं आती वो जाती कमाल नहीं समझता वो दिखावे के काम नहीं करता और वो अपने अंदर हमेशा आजी रखता है और अगर आपने कभी खजूर का देखा हो अभी फिर से दिखा दें तो उसके पत्तों के अंदर एक ख़ास किस्म का झुकाव और आजी होती है और जो है वो हर वक्त फल देता रहता है उसके जो फल में भी जो है झुकाव होता है मोमिन जो है जो है कुरान से जो है गजा लेता है कुरान आसमानी ग़ा है और दरख्त सिर्फ ज़मीन से गजा नहीं लेता जो है खजूर का दरख वो क्या करता है आसमान से फिज़ा से भी लेता है तब वो मजबूत होता है तो मोमिन कुरान से गजा लेता है कुरान आसमानी गज़ा है वो कुरान से जुड़ा लेता है खजूर के दर की तना जो सिर्फ़ ज़मीन से गजा नहीं लेता आसमान से भी गज़ा लेता है तब वो मजबूत है तो ये थी हमारी दोनों हमने पढ़ ली कले मतन उसको भी स्क्रीन से पहले कले मतन भी स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कले मतन तय्यबन क्या था क्या था उसको हम देख लेते हैं कले मतन तय्यबन पाक कलमा ला लाला तस्बी अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद तो कले मतन तय्यता की मिसाल शरिन तय्यबिन पाकिजा दर खजूर का दरख्त है वो पाकिजा होता है तो मोमिन को खजूर के दरख से तस्वी दी कि उसकी बहुत सी क्वालिटीज अभी हमने जानी इस वजह से दी अल्ला ने फिर कले मतिन खबीस कलमा गंदा घटिया कुफर का कलमा शिर का कलमा उसकी मिसाल कले मतन की कशरअी खबीसिन है मिसाल खबीस दरख गंदा दरख हंजल का दरख इंद्रायन का दरख कांटेदार दरख कड़वा दरख तो मुसलमान क्या है वैसे देख लेते हैं कले मतन है पाक कलमा है पाक कलमा लाला ला तस्वीर अल्लाह का ज़िक्र कुरान मजीद और उसकी मिसाल बतन, दरग, का शजरतीयता पाकिजा दरख खजू का दरख जो के मोमिन की मिसाल खजूर के दरक्की सी होती है अल्लाह तो तला हमें इस पे तो कुछ हमने पढ़ा समझा अमल करने की तोहफ़ी का ता फरमाए आमी अच्छा अब हम जो है आ, देख लेते हैं आयत नंबर ट्वेंटी सेवन इनशा वो अट ट्रांसलेसन आयत नंबर ट्वेंटी सेवन यूसफ लजीना युसबित साबित रखता है अल्लाजीना उन लोगों को जो आमन ईमान लाए बिलकौली सात बात असाबित मजबूत के फिल हयाती ज़िंदगी में दुनिया दुनिया की व फिल आख़िरती और आखिरत में विल्लु और जो भटकाता है अल्लाह दालमीना दालमों को व यफलु व और यफलु करता है अल्लाह अल्लाह माँ जो यशा वो चाहता है रनिंग ट्रांसलेशन इनशा ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित बुनियाद पर दुनिया और आखिर दोनों में सबात अता करता है और जालमों को अल्लाह भटका देता है अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे आयत की तरफ आते हैं ये आयत तो बहुत हमें तसली देती है युसफ बेतुल्लादीना आमनु ईमान वालों को अल्लाह ताला बिलकुल सबती फ़िलहती दुनिया व आखिर ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी वही दिल्लामी और हाँ नासाफ़ लोगों को जालिम लोगों को अल्लाह बहका देता है वयफ़ल शाह और अल्लाह जो चाहे करे तो असल में इसमें बताया गया है कि इसकी तफसर में एक हदीस आती है मौत के बाद खबर में जब मुसलमानों से सवाल ये क्या है ना के क्या है कौल साबित है क्या जिसकी वजह से इंसान जो है मजबूत रहता है तो कौल साबित के मुतालिक एक हदीस आती मौत के बाद खबर में जब मुसलमान से सवाल किया जाता है तो जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है बस यही मतलब है अल्लाह के फरमान युसफ बतुल्लादीन आमनु ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं ठीक है तो हदीस में है कि जब बंदे को कबर में रख दिया जाता है उसके साथ ही चले जाते हैं और उनके जूतों की आहट सुनता है फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे उठाकर उसे पूछते हैं कि उस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है वो मुमिन होता है तो जवाब देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं फरिश्ते उसे जहनु का ठिकाना दिखाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी जगह तेरे लिए जन्नत में ठिकाना बना दिया है बस वो दोनों ठिकाने देखता है उसकी खबर साथ उसकी खबर सत्तर हाथ कुशादा कर दी जाती है उसकी खबर को क्यामत तक नियमतों से भर दिया जाता है एक एक असर में उसे पूछा जाता है मन रब का मन दीन का मन माजो मन नबी का तेरा रब कौन है तेरा दीन क्या है तेरा पैगंबर कौन है फसल तला उसे साबित कदमी अता फरमाता है वो जवाब देता है रबी अल्लाह मेरा रब अल्लाह व दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है व नबी मोहम्मद और मेरा पैगम्बर मोहम्मद है तो अब हम हदीस देखते हैं Uh, uh, सही मुस्लिम की सेवन टू वन नाइन जो अभी स्क्रीन पे भी चली थी सात बिन उबैदा ने हज़रत बरा बिन आजिब रदी से और उन्होंने नबी ससम सही मुस्लिम हदीस सेवन टू वन नाइन जी सेवन टू वन नाइन साद बिन उबैदा ने उन्होंने नबी सल से रिवायत की आपने फरमायाल्ला ईमान लाने वालों को पुख्ता कौल कलमा तैयबा की हकीकी शहादत के जरिए से हक पर साबित कदम रहता है फरमाया ये आयत कबर के बारे में नाजिल हुई जो हमारा आज का सबक है ना इस मरने वाले से कहा जाता है तुम्हारा रब कौन है मन रब का तो वो कहता है अम, मेरा रब अल्लाह है वो मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम यही कौल अजल युसफ बेतुल्लाजी आमन बिल कौल सबित फ़िलायातीरा से मुराद है तो जो ईमान वाले होंगे जो पीछे अभी आपने पढ़ा ईमान वालों के सिफात के वो मोमिन जो है खजूर के दरक़ की तरह होता है और यही सिफात होती है उसकी ईमानियात उसकी अख्लाकियात उसकी इबादत उसके मामलात सब जो है जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वैसे ही होते हैं वो पूरा दीन पे चलता है तो वो जो इस कौले साबित से दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब रहता है और आखरत में जब कबर का अजाब होता है तब भी वो ये सारे जवाब फरिश्तों के मुमकिन के दे पाता है ठीक है तो इसी को, इसी को इसी आयत को यहाँ पे इस हदीस में हमें बता, पता चला हदीस में फिर शिबान शीबा, बिन आप देखते हैं सही मुस्लिम सेवन टू वन सिक्स शिबान ने कदा से रिवायत की कि हमें अनस बिन मालिक रज़ी से ने हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया बंदे को जब उसकी कबर में रखा जाता है उसे साथी, उसे आते हैं उसको बिठाते उससे कहते हैं तुम तो उस आदमी के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करते थे यानी आप सदस्य ने फरमाया जहां तक मोमिन है तो वो कहता है मैं गवाही देता हूँ कि वह के बंदे और उसके रसूल हैं फरमाया तो उससे कहा जाएगा तुम दोजक में अपने ठिकाने की तरफ़ देखो अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में एक ठिकाना दे दिया है अल्लाह के नबी ससम ने फरमाया वो अपने दोनों ठिकानों को एक साथ देखेगा कतादा ने कहा और हमसे ये बयान किया कि इसकी कबर में सत्तर हाथ वसूत कर दी जाती है क़्यामत तो उसकी कबर में तरोताज़ा नमते भर दी जाती तो अल्लाह तला हमें भी अलाम बरसक में, में जन्नत दिखा दीजिए जैसे कि इस हदीस से पता चलता है और क्यामत तक हमारी ख़बर को तरोताज़ा नियमतों से भर दीजिएगा और हमारी ख़बर को साथ हाथ फुसत दे दीजिएगा वसी कर दीजिएगा जैसे कि हम इस हदीस में पढ़ रहे हैं अल्लाह मजलना अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिएगा अल्लाह तला ने दो ठिकाने रखे जन्नत भी और दौजक भी तो अल्लाह तला जन्नत में जाने वालों को दोजक भी दिखाएंगे कि देखो अगर तुम अच्छे अमल ना लाते तो तुम्हारा ये ठिकाना था और जो है दोजक में जाने वालों को अल्लाह तला जन्नत भी दिखाएंगे कि अगर तुम अच्छे काम करते तो तुम जन्नत में जाते ताकि उनकी हसरत में और इजाफा हो तो अल्लाह तला ने दो मक़द दो मक़द रखे हैं हर इंसान के लिए अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे जन्नतौल फिर हम सही मुस्लिम की हदीस सेवन टू टू जीरो देख लेते हैं कौले सबित्बल आमन बिलकौली सबित फ़िलहिया दुनिया व वफी आखिरती नजलत फी कब यही हमारी आज की आयत है ने हजरत बरा बिन आजब रज से रिवायत की कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को दुनिया की जिंदगी और आखरत में पुख्ता खौर पर साबित कदम रखता है कहा आयत कबर के मुताबिक नाजी तो अल्लाह ताला आखरत में भी हमें कौले साबित परम रखे और कौल सबित क्या है आखरत में कि हम कबर में अजाब खबर होगा कबर में हम जवाब दे दे जो कबर में जवाब दे देगा दे तीन सवालों का फरिश्तों का वही है कौले सबित पर कायम रखना था। तो अल्लाह ताला तमें कौल साबित पर कायम रखेंगे आख़रत में इन साबित क़दम रखें कौल साबित, कौ, कौ, कौल साबित पर अल्लाह ताला हमें साबित क़दम रखें कब्र में भी दुनिया में भी आखरत में भी इन फिर हम देखते हैं ये कुछ आ, आ, इकबाल किलानी जो है उ, उनके राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे वो लिखे हैं किताबें लिखी हैं बहुत सारी तो ये किताबें आप लोग जरूर लीजिए उन उनकी किताब से हम पढ़ते हैं इन दो ढाई पेजें मलक अलखबरी मुन, मुनकिर व नक़ीर मुनकी नकीर के खबर के दो फरिश्ते जो खबर में आएंगे तो क्या होगा उनके मुतालिक पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं इनकी बहुत सारी किताबें हैं हर टॉपिक पे इकबाल की नानी की और जो है आप इन्होंने इंग्लिश तर्जुमे भी उनके बहुत सी किताबों के हो चुके हैं तो बच्चों को आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ले सकती हैं दारुसलाम बुरखलिन से आपको मिल जाए कहीं भी किसी भी दारुसलाम के उसे खबर में तदफीन के बाद मैय के पास सवाल और जवाब के लिए दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला सिया और आंखें नीवी होते हैं उन्हें मुनक और नकिर कहा जाता है जरत अबूर कहते हैं कि रसूल ने फरमाया जब मैय दफनाई जाती है या आप फरमाया तुम में से किसी एक की मैत दफनाई जाती है तो उसके पास दो सिया नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकिर कहा जाता है वो दोनों मैय से पूछते हैं तुम शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्म के बारे में क्या कहते है? उसे तिरमिजी ने रिवायत किया मुनिर और नकिर की आंखें तांबे के देखे के बराबर बड़ी बड़े बड़ी बड़ी दाद गाय के सीन के बराबर होंगे और आवाज बिजली की तरह गरजदार होगी तो अरबिक मतन में सोच सोच छोड़ रही हूँ कि हमारा टाइम पहुंच खत्म फिनिश हो रहा है तो उर्दू हम पढ़ लेते हैं हजरत तर्जुमा पढ़ लेते हैं हदीसों का अबू अन्हु कहते हैं कि एक जनाजे में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जब हम उसकी तदफीन से फारिग हुए और लोग वापस जाने लगे तो आप सस ने फरमाया अब ये तुम्हारे वापस पलटने पर तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनेगा उसके पास मुनकिर नकीरा नकीरा है जिनकी आंखें तांबे के देखचे के बराबर है दांत गाय के सेंग की तरह है और उनकी आवाज़ बिजली की तरह गरजदार है वो दोनों उसको बिठाएंगे और पूछेंगे तुम किसकी इबादत करते थे तुम्हारा नबी

करते हुए फरमाया फिर उसे उसकी जगह यानि ख़बर में लौटाया जाता है तो उसके पास मुनकिर और नकीर आते ही आते हैं अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते हुए अपने बालों से ज़मीन रोनते हुए और मोमिन आदमी को बिठा देते हैं उसे पूछते हैं ऐ फुला तुम्हारा रब कौन है और काफिर का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया मुनकिर और नकिर उसके पास आते हैं अपने दांतों से जमीन उखेड़ते हुए और अपने बड़े बड़े होटों से जमीन रगेते हुए उनकी आवाज गरजते हुए बादलों की तरह होती है और उनकी आंखों में चुंधिया देने वाली चमक होती है वो काफिर को उठा कर बिठा देते हैं उसे पूछते हैं ए फुला तेरा रब रब कौन है और फिर एक और रिवाज़ आता है कि उनके हाथ में लोहे के गुरुज होते हैं और ये ना सुनते हैं सुन भी नहीं सकते और वो फिर उसको लोहे के गुरज से मारते हैं तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं ठीक है इन हमें अल्लाह ताला तला कौले सबित पेबित कदम रखे जो कि जैसे कि हमने इस आयत में पढ़ा था और दुनिया में भी और आखिरत में भी ठीक है ये हदीस देख लेते हैं सही मुस्लिम हदीस सेवन टू ट्वेंटी इसमें आयत भी है ना तो हम इसको देख लेते हैं फिर से तो हमें याद हो जाए ये आयत नंबर ट्वेंटी सेवन थी हमारी और हदीस में है यूसफ बित्लाधीन आमनु

देने काबिल हो जाता है अल्लाह की तोफ़ी से जो दीन पे चला होता है तो चले हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इन टारगेट तो हमेशा बहुत होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने जानुम के नाम भी थे जानुम के अजाब की भी हमारी आयतें आ रही थी लेकिन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं ममा तोफ़ी ला बिल् सुबहबिकबिल्ज़ती अम्मा सिफून वसलामसिन वहमदल रबालमीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته कल सैटरडे को हमारा इंग्लिश का दर्स होगा मंडे को फिर हम सूरत इब्राहिम के साथ हाजिर खिदमत होंगी छोटी वीडियोस भी हमारी एडिट हो गई हैं नज़र बद पे जो कि हमने पहले की थी और जो है हमारी नज़र बद पे भी हो गई है और एक और टॉपिक पे भी हो गई तो वो मैं इन डाउनलोड कर दूँ आज की रिकॉर्डिंग के बाद मैं उसको भेज दूंगी छोटी वीडियो जरूर देखा करें और उसको फॉरवर्ड भी किया करें वो बहुत आसान होती है ना उस उसको जल्दी से हम जो हमारे इसमें टॉपिक बनते जाते हैं एक लेक्चर के उसमें तो बाद दफ़ा छोटे छोटे टॉपिक्स भी आ जाते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरी कोशिश होती है वो एडिट हो जाए तो वो भी मैं पोस्ट करती हूँ तो ज़रूर देखा करें सिस्टर्स ऑफ न्यूयॉर्क पे तो आपको कोई बात रखनी हो इन आयत के बारे में कौल साबित के बारे में बहुत अच्छी आयत थी अल्लाह ताला हमें कौल, सा, कौल साबित पर साबित कदम रखे दुनिया में भी आखिरत में भी और कबर में भी अगर आपको कोई बात रखनी हो इन आयत के मुतालिक तो आप ज़रूर रखें